हाँ तो सर करिए, ये हमारा बट साइज होता है, हम इंजेक्शन जो है हम इसी एरिया में लगाएंगे, ये जो हमारे एरिया होता है इसी एरिया में इंजेक्शन लगाएंगे। और इंजेक्शन के लिए पहले हम अपनी कॉटन स्वैब से हम इसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। हमें मेरे दर्द हो गए, मैं नहीं लूंगा। देखिए पेशेंट नौटंकी कर रहा है, खींच गया। तो चलिए भैया जी को इंजेक्शन लगेगा, हम आपको बताते हैं। हाय एवरीवन, आज एक पेशेंट आया, मतलब हमारे भैया जाए हुए हैं। तो देखिए उनको प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सुबह कुछ काम वाम कर रहे थे, उनका यहाँ पर मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, तो इनको पेन ज़्यादा है। बाकी और कुछ सूजन सॉलिंग वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने जेल दे दिया रात के समय पर। बाकी इनको वेवरान इंजेक्शन लगाएंगे। इनका मुँह दिखाई थोड़ा, उनकी कहानी इनसे पूछे थोड़ा। बताइए भैया, महीने तक में दर्द हो रहा, तो हुआ क्या था? शुरू से शुरू करिए, स्टार्टिंग कहाँ से कैसे? स्टार्टिंग ये हुई थी कि वो ट्राली होती है जो ट्रैक्टर की, उसका पीछे का जो बंद करने वाला वो फाटक होता है, उसको मैंने ऐसे उठाया, ऐसे खींच गया। तो चलिए भैया जी को इंजेक्शन लगेगा, हम आपको बताते हैं। सुई मतलब है ये, मुझे दवा खाने की दे दीजिए। सर लेट जाइए, लेट जाइए, ब्लॉग ऐसे देखते हैं। तो आज हम इस ब्लॉग में सीखेंगे कि कैसे हम किसी को, अगर ज़्यादा पेन रहता है तो IM इंजेक्शन हमें देना है। ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं, साथ साथ कैमरा में इसे फोकस करो। तो ये इंजेक्शन मैं इसे देने वाला हूँ, इसे कमर में इंजेक्शन दूंगा, जिसके लिए हमें 3 ml है या फिर 2 ml है, आप उसके लिए ले सकते हैं। मैं अपने 3 ml मेरे लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसको ब्रेक करने के लिए हम एम्पुल कटर यूज़ करेंगे, जो मेरे पास अभी करंट टाइम में है। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ, देखते हैं पहले इसकी जो दवा होती है उसको हम नीचे सेटल डाउन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा रब करेंगे और इसे इसमें रब करेंगे, ब्रेक हो गया। और इसे अब हम रिफ़िल करेंगे, इसको फिल कर लेंगे हमारे इंजेक्शन। इंजेक्शन को भरने से पहले इंजेक्शन को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको टाइट कर लें और यहाँ लें, इसको बॉटम में इसका जो पॉइंट है निडल का उसको ना टच करें, नहीं तो इंजेक्शन जो है वो आपको दूसरा फिर निडल लेना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा। और सारी एयर्स जो है हम, एयर बबल जो है हम निकाल देंगे, इसका कैप प्रॉपर अच्छे से लगाएंगे। फिर हम कॉटन स्वैब ले लेंगे, इसमें स्प्रिट है, लगा लेंगे, अल्को लगा लेंगे। और फिर हम पेशेंट को IM देना है, तो हम पेशेंट के कमर पे लगाएंगे। पेशेंट घूम जाए इधर, हमें मेरे दर्द हो गए, मैं नहीं लूंगा। देखिए पेशेंट नौटंकी कर रहा है। एक ये है कि अंकित तो कभी इंजेक्शन नहीं लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ कि कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया इसने। IV लिया गया है जब इसे कभी चोट वोट लग गई, बाकी से लगती रहती है। तो मुझे इसको ऐसे लग जाएगा, हाँ तो सर करिए। ये हमारा बट साइज होता है, हमें इंजेक्शन जो है हम इसी एरिया में लगाएंगे, ये जो हमारे एरिया होता है इसी एरिया में इंजेक्शन लगाएंगे। और इंजेक्शन के लिए पहले हम अपनी कॉटन स्वैब से हम इसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे, और इनका जो पैंट है थोड़ा हम उतार लेते हैं, इसको क्लीन कर लेंगे। फिर हम जो इंजेक्शन है, जो हमारा जो एरिया होगा उसे ऐसे स्ट्रेच करके उसको ऐसे करेंगे और इंजेक्ट करेंगे स्लोली, और चेक करेंगे कि ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो उसको नहीं लगाना है, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो फिर हम इसे स्लोली इसको इंजेक्ट कर देंगे। और निकालते समय कॉटन का इस्तेमाल करें, और फिर इनके कपड़े को ऊपर चढ़ाना है, और इस कपड़े के ऊपर से ऐसे प्रॉपरली टाइट हाथ से मल देना है। भाई पता ही नहीं चला कौन लगा। और ये रहा, ये प्रॉपर तरीका है, इस इंजेक्शन के कैन प्रॉपर लगाएंगे और इसे हम प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी पेशेंट को 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाएगा, और कुछ मेडिकेशंस भी हम दे देंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोज़ हम ले जाकर भी देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।